नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ना एक बहुत विचित्र चीज़ दिखा रही हूँ, मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। और अभी मैंने अपने छत तो अभी ना मैं अपनी छत पर आई थी, सारा काम घर का ख़त्म करके अपने कपड़ों को फिर सुखाने के लिए छत पर आई थी। तो ऐसे ही अपने गार्डन को देख रही थी, पौधों को देख रही थी, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है कि इनको बारीकी से देख सकूं। तो ना ये मेरे गार्डन में बहुत गंदगी मची हुई है, देखिए इतने ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना आपको, और ये गमलों में भी ढेर सारे हैं। तो रोज़ मैं साफ़ तो कर रही हूँ, पर ना मुझे लगा कि शायद छत में बादल ऊपर चिड़िया उड़िया उड़ती रहती हैं, तो हो सकता है ये वही गंदगी कर जाती हैं। पर अभी एकदम से मैं ना अडेनियम को मैं निहार रही थी, देख रही थी कि इनके सीड पॉट सब बन रहे हैं, जहाँ जहाँ से फ्लावरिंग ख़त्म हो रही है वहीं वहीं से सीड पॉट बन रहे हैं और ढेर सारे बनते जा रहे हैं। तो एकदम से अचानक मेरी निगाह गई यहाँ पर, आप देखिए ना, एक ये विचित्र सा प्राणी है, विचित्र सा जानवर है, और ये बहुत बड़ा है, कैटरपिलर जैसा ही है, और ये आगे पीछे दोनों जगह से खा रहा है पत्तियों को। मैं देख तो रही थी, मेरी पत्तियाँ सब खाई हुई दिख रही थी, देखिए हर जगह यहाँ पे, और ये सब खाई हुई दिख रही थी, पर नहीं समझ पा रही थी कि कौन है। पर अभी एकदम से नज़र पड़ी तो ना मैं तो डर गई। पहले तो अगर आपको दिख रहा हो, ये देखिए ये है, और ना ये दोनों आगे से भी और पीछे से भी, मतलब दो उसके मुंह दोनों तरफ हैं और ये खा रहा है। और अभी मैंने और ध्यान दिया कि एक ये भी है, ये देखिए ये यहाँ पे इसके नीचे, अगर आपको दिख रहा हो, ये देखिए ये भी पत्तियों को खा रहा है। अब इसको मैं हटा तो नहीं सकती हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, तो मैं इसकी ब्रांच ही काट दे रही हूँ, यहाँ से भी काट दे रही हूँ और यहाँ से इसको भी काट दे रही हूँ। पॉलिथीन मैं लेकर आई हूँ और सीज़र लेकर आई हूँ, तो मैं इसे पहले काट दूँ, देखने में डर भी लग रहा है। देखिए इसका पूरा ये सब खाया हुआ है, इन्हीं की कृपा है ये। और अभी फ़िलहाल तो मुझे दो मिले हैं और हो सकता है और भी हों, तो इसको चलिए काटते हैं। देखिए ये ना दिख रहा है ना आपको, ये तो मैं ये सीज़र और पॉलिथीन लेकर आई हूँ, क्योंकि हटाना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, हटा नहीं पाऊँगी मैं इनको, तो मैं इसे ये ऊपर है यहाँ पे है ये, तो मैं यहाँ नीचे से ही ब्रांच काट दे रही हूँ और फिर ये पॉलिथीन लेकर आई हूँ, पॉलिथीन में ही डाल दूँगी ऐसे काट के ना मैं रखती हूँ, क्योंकि दो एक हाथ से फिर तुरंत ये कटेगी ब्रांच, तो मुझे पॉलिथीन में डालना पड़ेगा, इसलिए मैं कैमरा रख रही हूँ। ये देखिए मैंने ये ब्रांच ये काट दी है, और ये रहे महाराज जी, ये है ना, तो इसको मैं ये भी और इसको भी मैं काट देती हूँ यहाँ से। देख मैंने ये दोनों ही काटे, बड़े विचित्र हैं, तो देख के इतना मन घबरा रहा है कि कैसे कैसे प्राणी हैं। चलिए अब मैं इनको पॉलिथीन में भर के, और अभी तो बांध दूँगी क्योंकि कल कूड़े में डाल दूँगी, बहुत अच्छे से लपेट के रख दूँगी। तो इस तरह से आप भी अपने गार्डन को चेक करिए, बहुत विचित्र विचित्र प्राणी मिलेंगे, और इनसे अपने गार्डन की रक्षा करनी है। पॉलिथीन में भर लिया है, और इन्हें बड़ी सुरक्षित जगह रख दूँ कि ये फिर से ये निकल के ना आ जाएँ। तो एक दूसरी पॉलिथीन में भी डालना है, ये तो फट गई है। चलिए फिर कुछ नया अजीब और कुछ अनोखा अगर होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी।